चोरों ने बीती रात हांसी में हुड्डा सेक्टर 6 में स्थित एक मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने मकान मालिक के कमरे की कुंडी बंद कर दी और कमरों के अंदर से अलमारियां बाहर निकालकर उनमें रखी सोने की ज्वेलरी और चांदी के पुराने सिक्के चोरी कर ले गए। यही नहीं, चोर मकान के अंदर खड़ी स्कूटी और बाइक भी चुरा ले गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। मकान मालिक विजय गर्ग का कहना है कि उनके मकान से करीब 50 लाख रुपए के सोने की ज्वेलरी और कैश चोरी हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली में व्यापारी सेक्टर 6 निवासी विजय गर्ग के मकान को चोरों ने निशाना बनाया। चोर पहले 7 लगते मकान के अंदर घुसे, लेकिन उन्हें वहां अलमारी में कुछ नहीं मिला। इसके बाद वह विजय अग्रवाल के मकान के अंदर आ गए और रसोई की खिड़की तोड़कर मकान में प्रवेश किया। मकान के अंदर विजय अग्रवाल का परिवार सोया हुआ था। चोरों ने उनके कमरे की कुंडी बंद कर दी और एक कमरे में रखी अलमारी को उठाकर बाहर ले गए, जहां अलमारी को तोड़कर उसमें रखी सोने की करीब 90 तोले की ज्वेलरी, 100 चांदी के सिक्के और करीब 1 लाख की नकदी चुरा ले गए। वारदात को रात करीब 1:30 बजे से 2:30 बजे के बीच अंजाम दिया गया। सुबह 3 बजे मकान मालिक विजय अग्रवाल जब उठे तो उन्हें अपने कमरे का गेट बाहर से बंद मिला, जिसके बाद पीछे के गेट से वह दीवार फांदकर मकान में आए तो देखा कि सारा सामान बिखरा पड़ा है और अलमारी बाहर पड़ी है। सूचना मिलते ही अनाज मंडी चौकी पुलिस मौके पर पहुंच गई। सिटी थाना प्रभारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। कुछ मकानों में लगे सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को चोरों के बारे में अहम सुराग भी हाथ लगे हैं। प्रारंभिक जाँच में सामने आया है कि करीब 5 से 6 युवकों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। ये विजय गर्ग का मकान है, खरड के हैं, ये खरडिया परिवार से बिलोंग करते हैं। 34 नंबर कोठी है। ये चोरी नहीं कह सकते संदीप जी, ये तो डकैती है। यहाँ जो है ग्रिल तोड़ी है रसोई की, उसका दरवाजा तोड़ा है। उसके बाद जिस कमरे में बच्चे और ये खुद विजय जी सोते थे वहाँ कुंडी लगाई है। लास्ट कमरे में इनकी मदर जो अशक्त है, जो चलने फिरने में भी लाचार है और सुनता भी नहीं उनको, उस कमरे में अलमारी थी, उस अलमारी में सारी ज्वेलरी थी। वहाँ से अलमारी बाहर निकाल के और इस जो है डकैती की घटना को अंजाम दिया गया। कितने की चोरी? मेरे पहले अनुमान 35-40 लाख का था, लेकिन यहाँ तसल्ली की तो ये तो 60 लाख के आसपास की चोरी है, डकैती है समझो। कितना कैश था और कितनी ज्वेलरी वगैरह बताइए? 1 किलो के लगभग तो सोने की ज्वेलरी थी, बाकी चांदी की ज्वेलरी थी, चांदी के सिक्के वगैरह थे और कुछ कैश था, जिसकी अनुमानित कीमत 60 लाख के करीब बनती है। जो यो इन्होंने अपने बच्चों की शादी के लिए ये सब संजो के रखा था और उसके बाद इतनी बड़ी घटना को जो है अंजाम दिया है। ये जो है 6 आदमी तो कैमरे में दिख रहे हैं, लेकिन आदमी होंगे ये 10-12 के करीब। सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुए? सीसीटीवी कैमरे में दिख रहे हैं 6 आदमी यहाँ सतवीर खैर जी के यहाँ, लेकिन पिक्चर क्लियर नहीं है। अनाज मंडी चौकी इंचार्ज सुमेर सिंह ने बताया कि उन्हें चोरी की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर मौके पर पहुंचे हैं और घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है। जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। ये तो क्या सूचना मिली थी? सूचना मिली कि वही चीज थे अपने सेक्टर 6 में 34 नंबर मकान में चोरी हुई है। वो कब आए हैं देखे है। तो कितने की चोरी बताई जा रही है सर? शिकायत जी दी आपने? ज्वेलर्स वगैरह है भी देख रहे हैं, कुछ रहे हैं बता रहे हैं। कोई सीसीटीवी कैमरे में? हाँ, सीसीटीवी कैमरे में अभी फुटेज देख रहे हैं, सामने देखे भी है। 3-4 लड़के जाते दिखाई दे रहे हैं।